अयोध्या विवाद को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ गई। सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। फैसले की घड़ी को नजदीक आते देख अयोध्या में भी हलचल तेज हो गई। प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा है, खासकर अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी कदम उठा रही है। आज अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडीजी कानून व्यवस्था पीवी राम शास्त्री ने श्री रामलला हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पुलिस लाइन में अयोध्या देवीपाटन मंडल व बस्ती मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अयोध्या की सुरक्षा को लेकर खास तैयारी की गई। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी राम शास्त्री ने कहा है कि अयोध्या में 365 दिन कड़ी सुरक्षा रहती है, ऐसे में संभावित फैसले को लेकर यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। पीएसी सीआरपीएफ अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। माहौल शांत रहे इसलिए पीस कमेटी की बैठक भी की जा रही है। संभावित फैसले को लेकर किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए और किसी भी तरीके की समस्या होने की कोई भी संभावना नहीं है। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामा शास्त्री ने कहा है कि जो लोग भी अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बकायदा आईटी सेल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी है और अब अयोध्या में फोर्स का आना शुरू हो गया है। आज अयोध्या जनपद के पुलिस ऑफिसर्स और बॉर्डर के जिलों के एसपीस और इसके उपरांत मंडलीय कमिश्नर महोदय और डीएम साहब के साथ एक हमने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू मीटिंग किया है, और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी के संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सर, अयोध्या का मसला है, उसका संभावित आने वाला है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी? कई प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वैसे भी आपको यह देखने को मिलेगा हमेशा 365 दिन सिक्योरिटी का व्यवस्था बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर होता ही है, और इसको और सुदृढ़ करने और जो लोग इसमें तैनात हैं उनका जो ड्यूटी निर्धारण सही हो, इनका ब्रीफिंग सही हो, इनका ट्रेनिंग सही हो, जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट उसका अद्यावधिकरण हो और नए इक्विपमेंट के खरीदने की बात हो, ये सब प्लानिंग लगभग पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और इसका निरंतर मॉनिटरिंग भी हो रही है, और इसके बाद कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन भी किया जा रहा है, और ज़िले में संयुक्त रूप से डीएम एसएसपी इसके द्वारा हर ज़िले में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी मेजर्स कर रहे हैं और पीस कमिटीज़ भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। फोर्स किस तरह से लगाई गई है, फोर्स किस तरह लगाई जा रही है, कितनी फोर्सेज आई हैं यहाँ पर अभी तक? देखिए, तो फोर्स तो सिविल पुलिस का भी कंपोनेंट होगा और पीएससी का भी होगा, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के भी होंगे, फिर इसके फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में जो हम ट्रैफिक का भी और के वायरलेस का भी फायर सर्विस का भी ऑगमेंटेशन करेंगे, कुछ बीडीडी स्क्वाड्स हैं, एंटी सबडेस चेक स्क्वाड्स हैं, और इस प्रकार का भी हम पूरा फोर्स आवंटित जितना की आवश्यकता है उतना की हमने आवंटित किया है और ये ड्यूटियाँ भी शुरू करें। लोगों में भय है सर, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस नहीं गाँव का बाजार बड़ा गर्म है, लोगों के अंदर बड़ा भय है, लोग अपने घरों में राशन घोल रहे हैं, फोर्स इतनी ज़्यादा है उसको देखकर डर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या डर है? ऐसे कोई बात नहीं है, और जो डीएम एसएसपी साहब जगह 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 जो मीटिंग कर रहे हैं और नीचे एसडीएम सीओस के लेवल में भी जो मीटिंग कर रहे हैं उनको जो फीडबैक मिल रहा है वो अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ऐसे कोई वातावरण नहीं है, और सामंजस्य के साथ सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सहयोग के प्रॉमिस भी किए हैं, और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सबके साथ खड़ा है, हर एक के सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं, इसीलिए कोई किसी प्रॉब्लम होने की स्कोप नहीं है, और कोई ऐसे कोई अननेसेसरीली रूमर्स फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं। हमारा मॉनिटरिंग भी मैकेनिज्म बहुत सक्रिय है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।